दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों अगर आप अपने घर पे जाना चाहते हैं तो अब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब आप ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं और अपने घर पे जा सकते हैं, क्योंकि सभी जगहों से ट्रेन चलने वाली है। तो सरकार ने, रेलवे ने पहले से बुकिंग शुरू कर दिया है, बुकिंग स्टार्ट कर दिया है। लेकिन आपको बता दें कि पहले जैसा आपको रेलवे टिकट नहीं मिलेगा, जैसे हम लोग ऑनलाइन टिकट बुक कराते थे वैसा आपको नहीं मिलेगा। ये जो टिकट है वो दूसरे किस्म का है। दोस्तों आपको सबसे पहले आपको ऑनलाइन कोरोना टिकट बुक करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इस टिकट का नाम है ऑनलाइन चीनी बीमारी टिकट। इस टिकट के बुक होने के बाद ही आप अपने घर पर जा सकते हैं। अगर आप देर करेंगे तो सीट भी फुल हो जाएगा और आप अपने घर पे नहीं जा सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि आप अपने मोबाइल से इस टिकट को बुक कैसे कर सकते हैं। दोस्तों आपको बताना है कि ये जो टिकट आप बुक करेंगे इसके लिए आपको पहले से एक रुपया भी चार्ज नहीं देना होगा, और इस टिकट को आप अपने मोबाइल से कर सकते हैं। आपके पास में एक मोबाइल नंबर होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, तो इस टिकट को आप आसानी से बुक कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री टिकट आपको मिलने वाला है, और ये जो टिकट मिलने वाला है जो लोग बाहर में फंसे हुए हैं सिर्फ उन लोगों के लिए है। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, पूरा लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप की कैसे इस फॉर्म को भरना है। इस फॉर्म को हम भर के बताते हैं कि इसका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा। आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन की जानकारी देने के लिए आपको सबसे पहले आप किस जिले में फंसे हुए हैं आपको लिखना होगा। मैं अभी पंजाब में फंसा हुआ तो पंजाब यहाँ पे लिख दूंगा। उसके बाद में यहाँ पे आपका पुलिस थाना है वहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में अपना राज्य लिखेंगे, जैसे जैसे यहाँ पे जिला है, आपका नाम है, आपका तहसील है, अपना पूरा पता यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में अपना जो भी बायोडाटा जहाँ पे आप रह रहे हैं यहाँ पे लिखना है। उसके बाद में अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है, नीचे आधार कार्ड नंबर डालना है, और उसके बाद में ये आपका कितना लोग आपके साथ में जाना है इस कॉलम में आपको लिखना है, आपका उम्र कितना है, आपका नाम क्या है, आपका जेंडर क्या है यानी कि आप महिला हैं या फिर पुरुष हैं, आपके साथ में कौन कौन जाने वाला है, यहाँ पे आपको बायोडाटा लिखना है। उसके बाद में नीचे आएंगे तो इस कैप्चा को आपको फिलअप करना है, ये कैप्चा आपको यहाँ पे नीचे भर देना है, और उसके बाद में लास्ट में आपको वीडियो के नीचे ये देख लीजिए यहाँ पे सबमिट का बटन है, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। आपके पास में एक आपके नंबर पे, मोबाइल नंबर पे आपके पास में OTP आएगा, उस OTP को दर्ज करेंगे, और उसके बाद में दर्ज करने के बाद में आपके पास में जो मैसेज आएगा उसको आप किसी भी रेलवे स्टेशन पे जाकर दिखाएंगे। वहाँ से आपको रेलवे की ओरिजिनल टिकट बुक होगा, यानी कि वहाँ से सरकार को पता चलेगा कि वाकई आप घर पे जाना चाहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ये जो मैंने फॉर्म भरा ये पंजाब के लिए है, अगर आप इंडिया के किसी भी कोने में है तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें, और कोई भी डाउट हो आपके मन में तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।